नमस्ते, हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम मेयोनीज बनाने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि बाहर की जो मेयोनीज आती है उसमें अंडे और काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव डाले हुए होते हैं, और बच्चों को तो चिप्स, नाचोस इन सब के साथ मेयोनीज बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से घर के ही सारे इंग्रेडिएंट्स से मेयोनीज बनाएंगे, और उसी मेयोनीज में से 3 अलग फ्लेवर भी बनाएंगे। परफेक्ट बाहर जैसी मेयोनीज बनाने के लिए सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, और इसे स्टोर कैसे करना है और कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए आज की मेयोनीज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही मिक्सी जार ले, आपके पास जो मिक्सी जार है वो ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप एकदम ठंडा दूध डाला है। दूध यहाँ पे आप फुल फैट या लो फैट कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, यानी कि जिसमें कोई भी तरह की फ्लेवर नहीं आती हो वही ऑयल लेना है, और इसे कम से कम आपको 3 से 4 घंटे के लिए डीप फ्रीज में ठंडा करके लेना है। बिल्कुल बाहर जैसी मेयोनीज बनाने में ये 2 बात बहुत ही जरूरी है। एक तो आपको दूध और जो भी ऑयल ले रहे हैं वो एकदम ठंडा लेना है, जैसे मैंने आगे वीडियो में आपको बताया वैसे, और दूसरा कि आपको यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ही लेना है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल लिया, जैसे कि मूंगफली का तेल है या फिर कोकोनट ऑयल, तो आपकी मेयोनीज बाहर जैसी नहीं बनेगी, इसलिए प्लीज़ यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। सारे मेजरमेंट जो मैं वीडियो में दिखाती हूँ वैसे ही लीजिए। 1 टीस्पून पाउडर शुगर डालेंगे और 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इस तरह से एकदम बारीक पीस के डालना है, उसका खास ध्यान रहे। अब इस मिक्सी जार को बंद कर देंगे और जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ वैसे ही मिक्सी चलाना है। देखिए, इस तरह से रुक रुक के मिक्सी को चलाना है, एक साथ में नहीं चलाएंगे। 3 सेकंड के लिए चलाएंगे, वापस 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, वापस 3 सेकंड के लिए चलाएंगे, ऐसे 10 से 15 बार चलाएंगे। अगर आप कंटिन्यू इस मिक्सी को चलाएंगे तो आपका जो मेयोनीज है वो एकदम पतला पड़ जाएगा और तेल है वो ऊपर आ जाएगा, इसलिए इस तरह से रुक रुक के ही चलाइए। बिल्कुल बाहर जैसे मेयोनीज बनाने के लिए ये स्टेप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका खास ध्यान रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज और वीडियो पसंद आ रही है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मैं मेरी चैनल पे जब भी नई रेसिपी डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। अब आप हेल्दी कुकिंग लैब को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 10 से 15 बार मिक्सी को घुमाने के बाद देखिए मेयोनीज इस तरह की हुई है। अब इसमें हम 1.5 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। अगर आप विनेगर यूज नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि विनेगर आपको पहले से नहीं डालना है, इस तरह से 10 से 15 बार मिक्सी को घुमाने के बाद ही विनेगर मिक्स कीजिए। वापस से इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और डालेंगे। अब मिक्सी जार को बंद करेंगे और मिक्सी को पहले के जैसे ही 10 बार चलाएंगे 3-3 सेकंड के गैप में। पहले के जैसे ही ऐसे रुक रुक के चलाना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी और चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मुझे YouTube में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी और वीडियो कैसी लग रही है। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए अगर आप बताएंगे तो मैं मेरी वीडियो और रेसिपी में जहां सुधार लाने की ज़रूरत लगेगी वहां सुधार लाके उसे ज़्यादा बेहतर बनाऊंगी। और हाँ, आगे आप मेरे चैनल पे कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। देखिए, हमारी क्लासिक मेयोनीज तैयार है, बिल्कुल बाहर जैसी है ना, एकदम थिक, और टेस्ट में भी ये बिल्कुल बाहर जैसी बनती है। चलिए अब इसमें से 3 अलग फ्लेवर तैयार करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रेट करके 1 चीज़ क्यूब लिया है, आप इसकी जगह पे चीज स्लाइस भी ले सकते हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे। यहाँ पे मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा लिया है, अगर आप 1/2 टेबलस्पून डालेंगे तो भी चलेगा। मैं इसे 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे गैस पे भी गर्म कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसे 20 सेकंड के लिए गर्म कर दिया है। मैंने पहले बताया वैसे इसमें मुझे थोड़ा सा दूध ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसे 1 अलग कटोरी में निकाल लूंगी।
अब इसको एक इलेक्ट्रिक हैंडी से थोड़ा सा घुमा लेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक हैंडी घुमाने के बाद ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। इस मेथड से आप कभी भी इंस्टेंट चीज सॉस भी बना सकते हैं। चीज सॉस को मेयोनीज में मिक्स करने से पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए। देखिए अब एक बाउल में 4 चम्मच मेयोनीज लेंगे। अब इसमें हमने जो चीज सॉस तैयार किया है वो डाल देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे, 1/2 टीस्पून होममेड चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस मैंने घर पे कैसे बनाना है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, उसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। चिली सॉस की जगह पे आप नॉर्मल चिली पाउडर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मेयोनीज में मिक्स कर लेंगे। लीजिए तो हमारा यहाँ पे चीज चिली मेयोनीज तैयार है। अब हम मेयोनीज में दूसरा फ्लेवर तैयार करेंगे, इटालियन हर्ब्स मेयोनीज, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मेयोनीज ली है। अब इसमें 1 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे। हाफ अ टीस्पून इसमें चिली फ्लेक डालेंगे और 1/2 टीस्पून जो मिक्स हर्ब्स आते हैं जिसे इटालियन सीजनिंग बोलते हैं वो डालेंगे। अगर आप ये इटालियन सीजनिंग यूज नहीं करते हैं तो इसकी जगह पे आपको ऑरेगानो डालना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा यहाँ पे दूसरा मेयोनीज का भी फ्लेवर तैयार है, इटालियन हर्ब्स मेयोनीज। अब मिंट मेयोनीज बनाने के लिए एक चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ली है और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है, आप चाहे तो अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून पानी डाला है। अब इसे अच्छे से पीस लेंगे। देखिए इस तरह का पेस्ट तैयार करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसे दरदरा रखा है, आप चाहे तो स्मूथ पेस्ट भी बना सकते हैं। अब एक बाउल में 3 टेबलस्पून मेयोनीज लेके इसमें अच्छे से इस पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। इन सारी मेयोनीज को आप 1 हफ्ते तक डीप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए तो हमारी मिंट फ्लेवर मेयोनीज भी तैयार है ना। बहुत ही आसान रेसिपी और बनाने में लगते हैं सिर्फ 5 मिनट और टेस्ट में बिल्कुल बाहर जैसी बनती है। तो इस मेयोनीज की रेसिपी को एक बार जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपके इस रेसिपी से जुड़े हुए जो भी एक्सपीरियंस या सजेशन हो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में जरूर बताइए। हाँ, और वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कीजिए।